Hi guys, how are you? Welcome to all of you in Tax Ki Paathshala by C. Arun Sethia. Guys, pehle to sorry for this delayed video because actually I was suffering from typhoid and काफ़ी कोशिश करी बट मैं नहीं बना पाया वीडियो. तो गाइस हमारा ईवे बिल पार्ट वन हम लोगों ने अपलोड किया था लेक्चर नंबर 3 में एंड दिस इज़ माय लेक्चर नंबर 4 वेयर वी विल बी ट्राइंग टू कंप्लीट ईवे बिल पार्ट 2. एंड उसके बाद जो है गाइस जीएसटी में कुछ 4-5 अपडेट सिर्फ रह गई हैं जिसे हम लेक्चर 5 में कवर करेंगे. एंड लेक्चर 6 जो होगा दैट विल बी ऑन कस्टम. विल ट्राई माई बेस्ट कि लेक्चर 5 और 6 जो है मैं वो इसी वीक तक आपको दोनों के दोनों दे दूंगा. एंड दिस संडे होपफुली वी विल बी डूइंग जीएसटी रिविजन. उसको मैं अपलोड करूंगा संडे को और उसमें वी विल बी ट्राइंग टू कवर टिल सेक्शन 30, राइट. और फिर धीरे 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 करते करते आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको जो है काफ़ी बेनिफिट दे सकूं थ्रू दीज क्लासेस, राइट. चलिए गाइज, आज की क्लास के अंदर पहले तो ईवे बिल जो मैंने लेक्चर 3 में कवर किया था, आई होप सो आपने वो लेक्चर देख लिया होगा. और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको वॉच कीजिएगा एंड देन इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, राइट. और आज पहले मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लेने जा रहा हूँ और उस टेस्ट के अंदर मैं आपसे लेक्चर 3 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, राइट. तो और उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन जो कि बहुत थोड़ा सा ही है वो हम उसको कवर अप करेंगे, राइट. चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स एंड हाउ यू विल आंसर दीज क्वेश्चंस ना. ओके फाइन. तो आपके पास जितने भी इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत छोटे छोटे होंगे, आई वुड लाइक कि उसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए. और अगर कोई लेंदी आंसर हो तो उसको आप बेशक से छोड़ दीजिएगा, बट मेक श्योर कि आपको आंसर्स जो हैं वो सभी क्वेश्चंस के आने चाहिए. बिकॉज इफ़ यू नो ऑल दीज क्वेश्चंस आंसर्स देन दैट मीन्स आप इस बार एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन ईवे बिल से पूछा जाएगा डेफिनेटली विल बी एबल टू आंसर इट, राइट. चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर फ्यू क्वेश्चंस सीरीज ऑन ईवे बिल, राइट. चलिए गाइस, सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है दैट इज व्हाट इज द कॉज ऑफ जनरेशन ऑफ ईवे बिल. मतलब हम ईवे बिल क्यों जनरेट करते हैं. आपके पास दो ऑप्शंस हैं. ऑप्शन 1 बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स. तो आपको दोनों में से करेक्ट आंसर देना है कि क्या ईवे बिल इसलिए जनरेट करवाया जाता है बिकॉज हमें मूवमेंट ऑफ गुड्स चाहिए या फिर हमें सप्लाई ऑफ गुड्स चाहिए. सो यू नीड टू आंसर वन ऑफ दीज टू ऑप्शन, राइट. देन नेक्स्ट, इफ द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट एक्सीड्स ₹ इन केस ऑफ इंटर स्टेट मूवमेंट ईवे बिल इज मैंडेटरी. तो कितना वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट एक्सीड करना जरूरी होता है कि इंटर स्टेट मूवमेंट में ईवे बिल जो है वो आपको जनरेट करना पड़ेगा, राइट. चलिए कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, कहते हैं ईवे बिल इज मैंडेटरी इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट इन द फॉलोइंग 2 केसेस. तो आपको दो ऐसे केसेस मुझे बताने हैं जहां पर ईवे बिल जनरेट करना ही पड़ेगा, फिर चाहे वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट जो है वो 50,000 एक्सीड करे या ना करे. सो दिस इज माई थर्ड क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन, आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन दिया है मैंने और आपको ये सजेस्ट करना है कि वेदर इन द फॉलोइंग केसेस वेदर ई वे बिल इज रिक्वायर्ड और नॉट. तो इसमें ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई दी हुई है 40, ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई दी हुई है 30 एंड IGST दिया हुआ है 7200. द टोटल इज 77,200, राइट. I am very sure if you have watched that lecture number 3 in a very proper manner, so you will be able to answer each and every question, right? Chaliye. Guys, coming to question number 5, the question is, can EWA bill be cancelled? If yes, then by what time? And the another question is,
अंडर व्हाट सिचुएशन ईवे बिल कांट बी कैंसल्ड, ठीक है ना, किस सिचुएशन ऐसी भी कोई होती होगी जिसमें ईवे बिल उसके बाद कैंसिल नहीं हो पाता होगा, राइट। देन इज माई क्वेश्चन नंबर 7, देन वॉट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ईवे बिल। आपको बताना है बच्चे, वॉट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ईवे बिल, यानी कि एक बार ही अगर ईवे बिल जनरेट हो जाता है तो उसका वैलिडिटी पीरियड कितना रहता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो वैलिडिटी पीरियड आप जो भी लिखते हैं, जो भी आप लिखेंगे, मैं बताऊंगा नहीं, उसे काउंट हमेशा हम कब करते हैं, पार्ट बी इंफॉर्मेशन को फर्निश करने के बाद से, ठीक है ना। तो जो भी आप आंसर देंगे वो आपने मुझे यहां बताना है, वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई वे बिल क्या होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8, ई वे बिल नंबर जो ईबीएन जिसको हम बोलते हैं, वो हाउ मेनी डिजिट्स, कितने डिजिट्स का वो नंबर होता है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्या पार्ट बी को हमें फर्निश करना जरूरी होता है इफ मूवमेंट ऑफ गुड्स इज विद इन द सेम स्टेट एंड डिस्टेंस इज नॉट एक्सीडिंग 50 किलोमीटर फ्रॉम प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनर टू प्लेस ऑफ ट्रांसपोर्टर फॉर फर्दर मूवमेंट। मैं फिर रिपीट करूंगा, अगर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से प्लेस ऑफ ट्रांसपोर्टर तक अगर हमें कन्वेंस लेके जाना है, उसका डिस्टेंस 50 किलोमीटर एक्सीड भी नहीं कर रहा और वो विद इन द सेम स्टेट भी है, और पर्पस इज फॉर फर्दर मूवमेंट, जहां से दोबारा से हम लोग कन्वेंस चेंज करेंगे, क्या इस कन्वेंस का पार्ट बी में इंफॉर्मेशन डालना जरूरी था। पार्ट बी में क्या उस कन्वेंस का इंफॉर्मेशन आएगा जो प्लेस ऑफ बिजनेस से प्लेस ऑफ ट्रांसपोर्टर के लिए यूज किया गया था, प्रोवाइडेड वो विद इन द सेम स्टेट है और उसका डिस्टेंस 50 किलोमीटर एक्सीड भी नहीं कर रहा है, ठीक है गाइस। चलिए, तो आपने सिर्फ मुझे येस और नो में आंसर देना इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि व्हाट आर द मैनर्स ऑफ जनरेटिंग ऑफ ईवे बिल। ये क्वेश्चन एक्चुअली में हमने पार्ट ए में कवर नहीं किया था, तो मैंने इसका आंसर आपको खुद ही बता दिया है कि अगर हमें ईवे बिल जनरेट करना हो तो उसके लिए हमारे पास ये फॉलोइंग मेथड्स अवेलेबल होते हैं। तो बच्चे, एक तो होता है वेब ऑनलाइन बेस्ड, ये आपको याद होगा, वेब ऑनलाइन बेस्ड जो था दैट इज यूजिंग द कॉमन पोर्टल, जो हमने लेक्चर 3 के अंदर आपने देखा होगा कि मैंने कॉमन पोर्टल यूज किया था और उसके अंदर से हमने ईवे बिल जनरेट करने की साइट पे हम गए थे और वहां पर कैसे जनरेट होता है वो हमने वेरीफाई किया था। बेटा, अगर आप चाहो ना तो इसको थ्रू योर मोबाइल एसएमएस के जरिए भी ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं, और एक इनका एक एपीआई प्रोग्राम है, दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है, इसको हम साइट टू साइट इंटीग्रेशन मेथड भी बोलते हैं। दिस इज अनदर मेथड जहां पर आप चाहो तो ईवे बिल जनरेट कर सकते हो, और एक यूजिंग एंड्रॉयड दैट इज थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन। तो दीज आर द मेथड्स थ्रू विच ईवे बिल कैन बी जनरेटेड। तो अगर इन केस आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो प्लीज इन टर्म्स को आप प्लीज लर्न कर लीजिएगा कि व्हाट आर द मैनर इन विच ईवे बिल कैन बी जनरेटेड, राइट। चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन ये पूछा गया कि सजेस्ट करिए कि वेदर इन द फॉलोइंग केसेस ईवे बिल इज रिक्वायर्ड और नॉट। तो ये चार केसेस है, 1 मूवमेंट बाय नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस, मूवमेंट ऑफ द कैरोसिन ऑयल अंडर पीडीएस, मूवमेंट ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कंसाइनर अगर सीजीएसजी और लोकल अथॉरिटी हो। तो गाइस, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द ईवे बिल। बेनिफिट्स ऑफ द ईवे बिल को मैंने यहां पर आपसे एक तरह से क्वेश्चन पूछा नहीं है, उसका मैंने खुद आंसर लिखा है। तो इन केस अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो प्लीज इन पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ईवे बिल। पहला लिखेंगे क्या है, ट्रेडर्स नीड नॉट विजिट टैक्स ऑफिसेस एनी मोर, बिकॉज ईवे बिल इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट हो रहा है तो आपको अब टैक्स ऑफिसेस में जाकर विजिट करने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारा वेटिंग टाइम था चेक पोस्ट पे, डेफिनेटली वो अब रिड्यूस करेगा ड्रास्टिकली। आपको याद होगा मैंने लेक्चर नंबर 3 में आपको बताया था कि मूवमेंट में काफी स्पीड बढ़ जाएगी, बिकॉज अब जगह जगह पे आप लोगों को रुकना नहीं है, और अगर रुकना भी पड़ेगा तो उसका जो टाइम होगा, वेटिंग टाइम होगा, वो बहुत कम हो जाएगा।
और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका ई वे बिल है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड है, तो डेफिनेटली ये हमारा काफ़ी पेपर वर्क भी जो है कम करेगा. तो पेपर, आई होप सो यू अंडरस्टैंड, पेपर कम लगना यानी कि एनवायरमेंटली ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है. अगेन, करप्शन एलिमिनेट हो जाएगा इन द ऑफिसेज और चेक पोस्ट पे. प्रिवेंशन ऑफ टैक्स इवेजन्स एंड रेवेन्यू डेफिनेटली विल ग्रो, बिकॉज जब टैक्स इवेजन आपका प्रिवेंट होता है तो रेवेन्यू बाय डिफॉल्ट जो है वो ग्रो करना ही करना है. राइट? सो प्लीज इस क्वेश्चन को आप, आई वुड लाइक कि आप इसको लर्न करेंगे. ठीक है बच्चे? ओके फाइन. सो दीज आर द क्वेश्चंस आई वुड लाइक कि आप इनमें से जो जो क्वेश्चंस आपको लगें कि उनके आंसर्स वन वर्ड में डिफाइंड है, कमेंट बॉक्स पे जरूर डालिएगा. आई विल डेफिनेटली वॉच दैट, और जब मैं उसको देखूंगा, और इफ आई फाइंड एनीथिंग रॉन्ग तो आई विल कमेंट ऑन दैट. राइट? चलिए, और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और बच्चे, वो ये कि ई वे बिल से रिलेटेड मैंने एक असाइनमेंट, क्योंकि कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर स्क्रीन से हमें सब कुछ नोट करना पड़ रहा है, तो एक असाइनमेंट ई वे बिल का जो है वो मैंने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया. तो जो लोग आउट स्टेशन स्टूडेंट्स हैं, जो लोग मेरे पास नहीं आ सकते हैं, दे कांट कलेक्ट फ्रॉम मी, तो वो जो है मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे. एंड जो अभी भी क्लासेस में आ सकते हैं, एंड इफ दे कैन कलेक्ट द हार्ड कॉपी, तो दे कैन ऑल्सो कलेक्ट द हार्ड कॉपी फ्रॉम द ऑफिस इटसेल्फ. राइट? चलिए गाइज, इसके बाद जो रिमेनिंग थोड़ा सा पोर्शन हमारा रह गया है, आई वुड लाइक कि हम उसको कवर अप करें. गाइज, पहले तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने रूल 138 कवर किया था. तो अब हमारे पास इसके अंदर छोटे छोटे तीन रूल्स हमें और पढ़ने हैं, 138A, 138B, 138C. चलिए गाइज, 138A पहले हम समझते हैं क्या है. इसकी हेडिंग है डॉक्यूमेंट डिवाइसेस टू बी कैरेड बाय द PIC. PIC, आई होप सो यू अंडरस्टैंड, एवरी कन्वेंस के साथ एक PIC पर्सन इंचार्ज होता है, और उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट या डिवाइसेस उसको कुछ कैरी करने होंगे. ये हमें रूल 138A कहता है. तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि PIC ऑफ द कन्वेंस अपने साथ क्या क्या कैरी करेगा. एक तो बच्चे इनवॉइस, या फिर बिल ऑफ सप्लाई, या फिर डिलीवरी चलान. अब आई होप सो आपको ये मालूम होगा, इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चलान, ये तीनों एक साथ डेफिनेटली नहीं कैरी हो रहे हैं. इनमें से कोई भी एक, एज द केस मे बी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हैं, एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, तो बिल ऑफ सप्लाई. अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हैं, अच्छा यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम का मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज इंटर स्टेट हम पढ़ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए आई एम सॉरी, हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे. और अगर आप, इट इज एक्चुअली अ सप्लाई, तो डेफिनेटली आप इनवॉइस देंगे. और इन केस अगर आप जॉब वर्कर को सेंड कर रहे हैं, तो उसमें आपको डिलीवरी चालान के साथ गुड्स को सप्लाई करना होता है. राइट? एंड अलॉन्ग विथ कॉपी ऑफ ई वे बिल इन द फिजिकल फॉर्म. तो आपको इनवॉइस भेजना है अलॉन्ग विद ई वे बिल कॉपी, बिल ऑफ सप्लाई अलॉन्ग विद ई वे बिल कॉपी, डिलीवरी चलान अलॉन्ग विद ई वे बिल कॉपी. ठीक है जी? और EBN इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. तो या तो आप फिजिकल फॉर्म में उसकी कॉपी भेज दीजिए PIC के साथ, या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में EBN नंबर उसके पास होना चाहिए इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, या फिर वो मैप्ड होना चाहिए टू RFID. RFID बच्चे क्या है? ये एक रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस है, एक जो कि एम्बेडेड किया जाएगा ऑन टू द कन्वेंसेस. गाइज, अब से क्या होगा कि कमिश्नर अगर चाहे तो कुछ क्लास ऑफ ट्रांसपोर्टर्स को वो मैंडेट कर सकता है कि वो ऑप्टेन करेंगे एक यूनिक RFID, और वो यूनिक RFID अगर उन्होंने अपने कन्वेंस में एम्बेड कर दिया, तो प्रायर टू मूवमेंट उन्हें क्या करना होगा, उस EBN को उसके ऊपर मैपिंग करनी होगी. तो मैपिंग करने का मतलब है कि वो एक तरह से, वो जो EBN है वो बाय डिफॉल्ट उस RFID के अंदर आ जाएगा, और जब भी कोई भी रास्ते में चेकिंग होनी होगी, इंटरसेप्शन होगा जब भी, तो उनके पास जितने भी ऑफिसर्स होंगे उनके पास एक RFID डिटेक्टर होगा. तो वो क्या करेंगे, उस RFID डिटेक्टर की मदद से आपके जो कन्वेंस के अंदर जो एम्बेडेड RFID होगा, डेफिनेटली उसके साथ वो मैप करके EBN नंबर को ट्रेस करेंगे. ठीक है ना? तो मैं फिर रिपीट करूंगा, 138A, वेरी सिंपल.
आपको जो भी पीआईसी है उसको अपने साथ क्या क्या कैरी करना है बच्चे, या तो इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चलान एज द केस में बी, अलॉन्ग विद ईवे बिल. ईवे बिल कैन बी इन द फिजिकल फॉर्म, ईवे बिल कैन बी इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ईबीएन कैन बी इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑल्सो. और कुछ केसेस में कमिश्नर जो है वो आपके लिए मैंडेटरी कर देगा कि आपको अपने कन्वेंस के अंदर एक RFID एम्बेड कराना होगा, और मूवमेंट से पहले आपको अपना जो ईबीएन होगा वो उसके अंदर मैपिंग करनी होगी. राइट, तो दिस इज 138A जिसके अंदर रिक्वायरमेंट बताई गई है कि आपको पीआईसी को अपने साथ क्या क्या कैरी करना होगा. राइट, चलिए 138B क्या है. कमिश्नर बेसिकली इसमें ऑथराइज कर सकता है किसी भी पीओ को कि वो आपके कन्वेंस के अंदर इंटरसेप्शन करेगा, इंटरसेप्ट करेगा किसी भी कन्वेंस को टू वेरीफाई दी ईवे बिल. राइट, और कमिश्नर जो है ही विल गेट RFID रीडर इंस्टॉल्ड एट द प्लेसेस वेयर वेरिफिकेशन ऑफ द मूवमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट. ठीक है ना, जैसे मैंने क्या कहा, आपके कन्वेंस में RFID लगा होगा और जगह जगह पे RFID रीडर्स लगे होंगे जो उसको रीड करना सीखेंगे, यानी कि वो रीड करेंगे उसको. ठीक है ना, चलिए. और लास्ट है मेरा 138C. अकॉर्डिंग टू दिस अ समरी रिपोर्ट ऑफ एवरी इंस्पेक्शन इन ट्रांजिट, जितनी भी आप इंस्पेक्शन करेंगे इन ट्रांजिट में, शेल बी रिकॉर्डेड ऑनलाइन बाय द पीओ इन पार्ट ए ऑफ द फॉर्म दिस EWB03 विद इन 24 आवर, और एक फाइनल रिपोर्ट जाएगी 3 डेज के अंदर. राइट, अच्छा एक वेरी इंटरेस्टिंग चीज वो ये है कि अगर फिजिकल वेरिफिकेशन आपकी कन्वेंस की हो चुकी है ड्यूरिंग ट्रांजिट, तो दोबारा फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा किसी भी जगह पर, अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी इंफॉर्मेशन अगर सामने आती है कि आप कुछ टैक्स इवेजन का या कोई मैटर आ रहा है तो. राइट, तो आई एम वेरी श्योर गाइस, दिस इज माई लास्ट रूल 138C, एंड फॉर मी 138A, B, C आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्टिल वी नीड टू कवर एवरीथिंग, सो आई थॉट कि इसको भी हम कवर अप कर लें एक बार. राइट गाइस, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मैंने कहा कि बहुत जल्द GST की रिविजन डालने वाला हूं मैं. ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, और कोशिश करिएगा कि जितना जितना हम जैसे जैसे पढ़ रहे हैं रोज आप रिवाइज करिए. ठीक है, और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स लॉट.